आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले आए सामने, कुल केस बढ़कर 20 हुए, 10 लोग हुए डिस्चार्ज। कोरोना के चलते टली मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता, भारत की मनासा वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट संक्रमित। अजय मिश्र ट्रेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। पीएम मोदी बोले काशी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा काम करें कि लोग आपको याद रखें। अमृतसर एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 24 उड़ानें रद्द, 9 डायवर्जन की गई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सीएम योगी के उत्कृष्ट समारोह में प्रधानों को लाने ले जाने के लिए ग्राम पंचायत सचिवों ने लापरवाही बरती। लापरवाही को लेकर प्रधान संघ जिलाध्यक्ष राम निवास यादव ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दोषी सचिव कपिल गौतम, शिवांगी सिंह और सुनील कटारिया के खिलाफ कठोर कार्यवाही की। जिला पंचायत राज अधिकारी से मांग की गई है और चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर ऐसे लापरवाह सचिवों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधान संघ आंदोलन करेगा। ध्यान में आया है कि लखनऊ में कल प्रोग्राम था प्रधानों का, जिसमें कुछ सचिव लोगों ने लापरवाही की है, तो किस तरह की लापरवाही है और क्या कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी? आज फिरोजाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे ग्राम प्रधान संगठन के, उनसे हमारी बात हुई है, थोड़ी देर में उन्हें मैंने बुलाया भी है। अगर कहीं भी कोई अव्यवस्था सचिव के स्तर से की गई होगी और सचिव ने अपने ड्यूटी में लापरवाही बरती होगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन के स्तर से अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, सारे बस ठीक किए गए थे। कल दिनांक 14 को प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में ग्राम उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानों को ससम्मान बुलाया गया था और प्रधानों को लाने ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने यहां व्यवस्था की थी बसों की, कि बसों के द्वारा ले जाना है। कानपुर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव आज हो रहा है, जिसको लेकर न्यायालय भवन में बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही कचहरी परिसर में कुल 16 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें चुनाव करवाने को लेकर 60 एआरओ की नियुक्ति की गई है। बार कार्यकारिणी के 21 पदों पर 83 प्रत्याशियों के लिए मतदान हो रहा है। हमीरपुर की राठ कोतवाली के नोहाई गांव में, जहां दलित वृद्ध दंपति लल्लू पासवान और उनकी पत्नी कुब्जा रानी के मकान पर गांव के ही दबंग ने दिवाली के समय कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत तभी बुजुर्ग दंपति ने पुलिस से की थी। वहीं लेकिन पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि शिकायत करने पर दबंगों ने वृद्ध दलित की पिटाई कर दी, जिससे उसको गंभीर चोट भी आई। बड़ी बात यह है कि पीड़ित दलित वृद्ध अंधा है और अपनी वृद्ध पत्नी के साथ न्याय की दरकार के लिए दर बदर भटक रहा है। क्या समस्या है आप लोग? साहब ऐसी है कि देखो, मैं गरीब आदमी, मुझे पुरानी जमीन प्रखंड की बकरी आवा, पुरानी बकरी भीतर की, उसमें 2 पलंग की जगह में कब्जा करे बेकार की जा, हम आई जाओ प्रखंड से। साहब मैंने 2 लड़कियों की शादी कर ली, उसमें अब सब बग गिर गई, गिरी थी से न चबूतरा बुरा बना लो दीपावली के दिन, वो मूल दीपावली है या घटना हो गई, साहब से रिपोर्ट नहीं दिखी या साहब, हम परेशान हैं। 2-3 दिन हमीरपुर हुआ नखलग में हुआ, सब कागज दे आए भाई, NCR दे रही थी, सब थाने में जमा है, बेकछु सुनता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? लल्लू। लल्लू, क्या समस्या आ रही है आपको? आप साहब ऐसी है कि मेरी जमीन, मेरे प्रखंड की जमीन है, आप लोधी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो कि मैंने मोहल्ला ही फलाना लाओ ढकाना लाओ, पैसा ही सबको दे दे,
और मुझे मारा है साहब, मुझे हाथ तोड़वा दो, मेरी खपड़ी फड़ा रही साहब हजूर। अब मोई अंधरा धंधरा साहब, आप मोई सुनो, मैं हजूर कछु करने लायक नहीं है, आप आई के सहारा हूँ, आप मोई विनती सुनो हजूर, बस तय कृपा हम आई की मेरी जगह दबाओ। कब से परेशान हो आप? परेशान हो दीपावली के दिन, दीपावली दीपावली के मामो मारो है साहब। अधिकारियों के पास, पुलिस के पास नहीं गए? गायते साहब क्या कर रहे हैं वो लोग? रिपोर्ट नहीं लिखी। आगरा में योगी सरकार का लोगों ने अनोखा विरोध किया है। विकास कार्य नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया। आगरा को एयरपोर्ट, बैराज, हाई कोर्ट नहीं मिलने से खफा आगरा के निवासियों ने सरकार का विरोध करते हुए झुंझुना दिवस मनाया और इस झुंझुना दिवस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अहेरिया समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर दोपहर से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, जिसके चलते दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों का आवागमन दोपहर से ही बाधित है। अलीगढ़ में भी इस रूट से होकर जाने वाली ट्रेनें खड़ी हैं। पूरे प्रदेश के अहेरिया समाज के लोगों ने न्यू हाथरस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी सहित सिविल पुलिस भी मौजूद रही। मेरा नाम कल्पना है। अच्छा ये बताइए, कहाँ से आ रही थी आप? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैं टूरला से अगला शहर चले से रोड उतर गई। तो किस तरह की परेशानी हुई है ट्रेन में आ जाने? आज तो बहुत परेशानी हुई है, बहुत परेशान है। 4 बजे से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं बढ़ पा रही। किशन, किशन ये बताइए अलीगढ़ क्या करती है? कारखाने में काम करते हैं। कहाँ से आती है रोज? हाथरस से। हाथरस से आज क्या है, अभी तक आप घर नहीं जा पाए? ट्रेन ही नहीं चल रही, ट्रेन ना चल रही। अब इधर कोई जाम लगा दो हाथरस में। आज आप घर ही नहीं जा पा रहे हैं? कहाँ जा पा रहे हैं? तो कहाँ 4 बजे तो यहीं पर रहे हैं। तो कहाँ परेशानी हो रही? बहुत दिक्कत दे रही है। 6 बजे पहुँचे, कहाँ करेंगे? और सो हाथरस से 5 किलोमीटर साइकिल से। खबर औरैया से है, जहां पर सदर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पात्र का ताला तोड़कर पुजारी के पैसे भी चोरी कर लिए। मंदिर के पुजारी अशोक तिवारी ने बताया कि दान पात्र में जो कुछ भी था चोर उसे ले गए, जबकि उनके करीब 1,500 रुपए की रिजगारी भी चोरी कर ले गए। इसके अलावा मंदिर के घंटे भी चोरों ने पार कर दिए। ये काली मंदिर जैसी चौराहा के पास में स्थित है। यहाँ पर रात को चोर आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, गोलक का ताला तोड़ा। अब गोलक में कोई गिने चुने तो पैसे होते नहीं हैं, कितने थे, 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। और जो रोजगारी हमारी 1,000-1,200 की जो थी अंदाज से, वो ले गए। और हमारे जो दरवाज़ा तोड़ा है उसमें, कमरे में उसमें जो हमारे घंटे रखे थे पूजा के, वो लोटे। देवरिया में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां पर भोजपुरी गायक पवन सिंह के आगमन पर हजारों दर्शकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पवन सिंह के गाने पर दर्शक लगातार हंगामा करते रहे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सत्य प्रकाश सिंह लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आज की श्रद्धांजलि सभा बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लगभग 40 से 50 हज़ार की जनता आज देवगांव इंटर कॉलेज फील्ड में आकर स्वर्गीय पूर्व विधायक प्रमोद सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का काम एवं संकल्प रैली को सफल बनाने का काम। चैनल के जरिए जो भी हमके देख रहा था, भैया, चाचा, माता, बहन सबके हम कैसे प्रणाम करते हैं। और देवरिया गोरखपुर हमारा ननिहाल है, देवरिया में आई बनी हमारी श्रद्धांजलि सभा संकल्प रैली में मंच पे आज आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे ऑडियंस जो है वो काफ़ी फरमाइश कर रहे हैं, ये गाना वो गाना, लेकिन मैंने बोला कि आज का जो श्रद्धांजलि कुछ ऐसा दायरा है जिसको हम
फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से 8वीं कक्षा के छात्र का लापता होने का मामला सामने आया है, जहां सूरजकुंड इलाके के जंगलों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 14 साल के छात्र कई दिनों से लापता था। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त, उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। ये 3 दिन पहले की घटना है। 14 वर्षीय बच्चा 1 नंबर मार्केट से मिसिंग था। उसके पिता ने अपने लेवल पे उसकी छानबीन की, नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी। 14 तारीख को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके, और इसमें जांच चल रही थी। उसके पिता ने बताया था कि उसका बेटा अक्सर 1 नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है, जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है, और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट होल है, उसके पीछे झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बच्चे की डेड बॉडी को BK हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पे ACP श्री सुखबीर सिंह जी हैं, SHO डबुआ हैं, और उससे पूछताछ जारी है। अच्छा, 6 बजे ये तो कोई पता नहीं, 1 नंबर गया, इसका दोस्त ने फोन किया है, उसको बुलाया है, तो 1 नंबर में गए। अब पता नहीं उस लड़के के साथ क्या किया, क्या नहीं किया इनने, पता नहीं लगा। हमने आज पता लगा तो हमने आज डेड बॉडी आज निकाली खाई के अंदर से। ये कैसे पता चला डेड बॉडी वहाँ? वो पुलिस वालों ने सारी छानबीन करी है, जब जाके वो एक ऑटो वाला मिला है, उसको सीआई में दिया, जब जाके उसने बताया, जब जाके उसको। फिरोजाबाद थाना क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे 3 अस्पतालों को DM के निर्देश पर सीज किया गया। बीते दिनों बांके बिहारी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिलाधिकारी ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए CMO को निर्देशित किया, जिसके बाद गंगा देवी और बांके बिहारी अस्पताल को सीज कर दिया गया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ कार्रवाई की गई? इसमें कार्रवाई ये की गई है कि ये जो बांके बिहारी अस्पताल है, ये लगातार अवैध तरीके से लगातार चल रहा था। इसके साथ में और भी जो अस्पताल है, इसमें गंगा देवी एक अस्पताल था, ये अस्पताल लगातार अवैध तरीके से चल रहे थे। इस मामले की सूचना लगातार स्वास्थ्य विभाग को पहुंच रही थी जी ना, लगातार स्वास्थ्य विभाग को ये सूचनाएं पहुंच रही थी। इस मामले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, CMO द्वारा इस पे लगातार कार्रवाई की गई, और अब CMO द्वारा इसको सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के पास गंगोली फाटक पर अहेरिया समाज के लोगों ने अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने की मांग को लेकर दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन की पटरियों पर बैठ गए, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक अहेरिया समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस अहेरिया समाज के लोगों को समझाने में जुट गई। मैं चंद्रपाल सिंह अहेरिया, जो मेरे समाज के साथी बुजुर्ग भाई माता बहनें जो ट्रक पर बैठी हैं, कृपया ट्रक को छोड़ दें, क्योंकि 18 तारीख को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मिल गया है, और वहां रुकना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ठंड इतनी है कि कोई आदमी बीमार हो सकता है। तो अपने गाड़ियों में बैठ के वापस चले जाएं। अगर इनने 18 को नहीं मिलाया तो हम 21 तारीख को फिर सोमना 21 तारीख को तो सुनो समय ले लो 21 तारीख को सोमना स्टेशन पर, यहाँ नहीं अब कि सोमना स्टेशन पर मैं खुद। हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के बाजिदपुर से 4 रोडवेज बस दिल्ली के लिए संचालित होती हैं। उसके बावजूद भी यहां कुछ दबंग प्राइवेट बसों को अवैध रूप से दिल्ली तक के लिए संचालित किया जा रहा है, जिस पर KMV इंटर कॉलेज
डंडेसरी का बोर्ड लगा रखा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध डग्गामार बसों से मनमाना किराया वसूला जाता है और नहीं देने पर बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। आनंद विहार गए साहब तो बोले 500 रुपए लगेंगे, बैठना हो तो बैठना, भाग जाए यहाँ से। कौन सी गाड़ी थी? जैन की कास में पंडित जी की। रोडवेज है प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी की? हाँ। खबर मैनपुरी से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2021 के बजट भाषण में बैंकों के निजीकरण की घोषणा किए जाने पर बैंक कर्मियों में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मैनपुरी के सभी बैंकों को भी बंद करवा दिया है। रायबरेली के थाना नसीराबाद के पूरे नीमच गांव में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि दबंगों ने एक गरीब परिवार को अपना निशाना बनाया। दबंगों ने गरीब के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और खुलेआम घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। तो रायबरेली में दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के साथ जिला जेल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान जेल में आपत्तिजनक वस्तुओं बरामद होने के साथ ही जेल परिसर के अस्पताल में अनावश्यक रूप से बंदियों के मौजूद रहने की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। रूटीन का इंस्पेक्शन होता है हमारा और एसपी साहब का। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए हम लोग जेल में औचक निरीक्षण के लिए आए थे। जितने हमारी बैरक हैं, पिछले माह में जो निरीक्षण किए हैं, कई प्रकार की वहाँ पे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरीके की अवैध सामग्रियाँ मिली थी, और इस बार हमने जो चेकिंग की है तो अभी कोई अवैध सामग्री नहीं मिली है। लेकिन जो यहाँ का अस्पताल है उसमें कई कैदी हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि अनावश्यक रूप से रुके हुए थे, तो जेलर को और जो डॉक्टर यहाँ पे हैं उनको मैंने निर्देशित किया है, एक मेडिकल बोर्ड बना के उसकी भी हम लोग जाँच कराएंगे। अनावश्यक रूप से कैदी को अस्पताल में रखना या फिर उनको यहाँ से जिला अस्पताल भेजना, किसी प्रकार की अगर घटना होती है तो उसमें जेल प्रशासन जिम्मेदार भी होगा। इस प्रकार संभल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने लाल टोपी पर चल रही सियासत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टोपी के रंग बदलते हैं। भाजपा के 300 एमएलए में से 100 एमएलए ऐसे हैं जिनकी लाल और हरी टोपी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अफगानिस्तान बनाने से रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना आवश्यक है। वहीं उन्होंने मुसलमानों की तुलना राक्षसों से भी की। बढ़ जाती है तो जैसे ठंड में कोहरा बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है तो सांस के रोग आ जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है सांस का रोग बढ़ता है, ऐसे आधा से ज्यादा लोग बुरी एनर्जी पैदा करते हैं तो बुरी एनर्जी से पृथ्वी में राक्षस पैदा होने लगे। जितने राक्षसों का वर्णन आता है, चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर धूम्र लोचन त्रिपुरासुर, ये अलग अलग कलयुग में पैदा हुए राक्षस थे। इस समय का कलयुग तब शुरू हुआ जब महाभारत पूरा हो रहा था। कलयुग के शास्त्रों ने 4 चरण करा, अच्छी एनर्जी से बुरी एनर्जी बढ़। संभल में एक ऐसा गांव है जहां पर रहस्यमय तरीके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर थाना बढ़िया ढेड में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीते 18 महीने पहले भी एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, जिसकी परिजनों ने थाना बने ढेर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा बच्चा 13 नवंबर 2021 को गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया था, लेकिन फिर से 10 वर्षीय बच्ची के गायब होने से हड़कंप मच गया है। मासूम बच्ची घर के पास पड़ोस में खेल रही थी जब गायब हुई। हाल ही में हमारी बच्ची 6 बजे से लमसम गुमसुम है, बनिया ठेर। फिर का रात में इन्होंने फोन करा था हमारे धोरे, आधा घंटे बाद ऐसे 6:30 या 7 बजे के लमसम टाइम पे, तब हमने इनसे पूछी, फिर हम रात तो आ ना पाई, सुबह आए इनके धोरे ससुराल में, और ये इन्होंने रात भी ढूंढा था।
ये मामला ये है कि बाहर खेल की फिरती बच्ची वो पड़ोस में सब बता रहे कि हाँ 6 बजे का टाइम था कि वो हमने देखी एक हमारे घर मंगनी भी हुई तो वहाँ भी कहीं बता से लेके आई। अब हमने कहा देर हो गई है ज़्यादा तो मैंने कि आ जाएगी, हमने कहीं एक बार देखा सब में कहीं उसे। सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई है। युवक की हालत गंभीर है, घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों पक्षों का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। ये मामला सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गाड़ी घाट का है। फतेहपुर के हदगाम ब्लॉक परिसर में वीमेन पावर लाइन से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। ब्लॉक परिसर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों की उन्नाव से आई थी ये पीठ और नुक्कड़ नाटक पार्टी ने पुरुषों के लिए भी संदेश दिया है। इस नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिली। फतेहपुर में मोरंग का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसके बाद खदानों से अवैध खनन का जीपीएस वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। अवैध खनन का ये वीडियो कंपोजिट खदान अढ़ावल और संगोलीपुर मोरंग खदान का बताया जा रहा है, जहां बेखौफ पट्टे धारक नियम विरुद्ध तरीके से पोकलैंड और जेसीबी मशीन से खनन करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, परिवहन के लिए जबरन किसानों के खेतों के बीच से रास्ता बनाने के लिए किसानों की फसलें भी चौपट कर रहे हैं। सामने आया है, उसके क्रम में जांच समिति गठित की गई है। जांच की जा रही है, जो जिस भी प्रकार से किसी भी नियमों का उल्लंघन होगा उसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर। फरुखाबाद में महिला ने युवक की सरे बाजार चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला ने भरे बाजार युवक को चप्पलों से पीटा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल महिला का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी बात को लेकर प्रेमिका ने प्रेमिक को सरे बाजार चप्पल मारी। ये मामला फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का है। रायबरेली के बदोकर थाना इलाके के मुंशीगंज बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान है, जहां गहने खरीदने के इरादे से दो महिलाएं और एक पुरुष दुकान पर पहुंचे। उन लोगों ने दुकान पर सोने के आभूषण दिखाने के लिए कहा। आभूषण दिखाते समय एक महिला ने नजर बचाकर सोने का झुमका चुरा लिया, जबकि महिला की यह हरकत दुकानदार तो नहीं देख पाया लेकिन सीसीटीवी में कैद हो गई। लड़का जो आया, लेडी जो आई थी, उनको जो सामान दिखाने लगा कि दुकान के लिए सीट मांगे थे, उसके बाद दिखा के तौल के दिखा रहा था, उसके बाद दो हाथ में और लिया था, इसने बता रहा था, उसके बाद कहा हाथ वाले सेट दीजिए, तो हाथ वाले जो सेट लिया तो उसी में जो है उनको दिमाग से कहा इसको तौलो, तौलने लगे, पर्चा लिखने लगे, उसी में जो है पैर पर जो रखा था उसको उठा करके मुँह में भर लिया उसने। हमको जब बताया है तो शक हुआ, तो हमने कहा कैमरा खोलो, तो कैमरा हमने चेक किया तो उसमें देखा, हमने पकड़ा कि जो अनारी लेडीज ये है, कोई परिचित नहीं थी हमारी। तो फिर आपने क्या किया, पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को बताया, पुलिस वह चौकी इंचार्ज को बताए थे। चौकी इंचार्ज यहाँ आए, वो आए नहीं थे, वो हम सिपाही भेजे थे यहाँ दो, तो उन्हें कैमरा में देखे, खोल करके सब मोबाइल बना करके ले गए थे, टैप करके कहा इसको हम पकड़ेंगे, इसको कार्रवाई करेंगे। लड़का जो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।